लिए ढोल वाले बुला रखे हैं और ऊपर पूजा हो रही है। 3, 2, 1। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो कैसे आप सब, होपफुली सब अच्छे होंगे। गाइस फिलहाल मैं अपनी नानी के घर हूँ और आज का जो दिन है वो बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन इन्होंने और हमने गणेश जी को विसर्जित करना है। तो फिलहाल पूजा चल रही है, सभी कामनाएं पूर्ण हो। गाइस मामा जी ने ढोल वाले बुला रखे हैं और ऊपर पूजा हो रही है इसलिए उनको चुप कराने जा रहे हैं कि अभी रुक जाओ। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, अगले बरस तू गणपति बप्पा।
मेरा ये। चलो भाई फिलहाल हम खाते हैं गणपति जी का प्रसाद। दुनिया का सबसे बड़ा भूखा इंसान कुछ भी। गाइस गणपति जी के जय जयकार लगा लगा के मेरे पसीने छूट गए और गला बैठ गया, लेकिन ये भैया ढोल बजाकर थके नहीं। भैया आप बिल्कुल भी नहीं थके ना, क्योंकि आपने बजाया ही नहीं। अच्छा क्या कह रहे हो, ढोल वाले का नंबर ले ले, मजा आ गया ढोल सुन। तेरी शादी में खूब ढोल बजेंगे, टेंशन मत। नाम अवनी है मिस्टी, मिस्टी यार तेरा नाम भूल जाता हूँ बार बार मैं। अच्छा भाई शुक्रिया वीडियोस बनाने के लिए हमारी हैं। ये जो भैया है इन्होंने भी गणेश जी रखे हुए हैं, तो ये कह रहे हैं आप जरूर आना। मैंने कहा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका गणेश जी विसर्जित करूँगा। बस डेट बता देना आप, ठीक है? डेट हाँ इनको पता, अभी मेरे हिसाब से कब करेंगे अभी। चलो जब भी करना बता दो। ओके ओके। तो भैया हमारी तरफ से बढ़िया बजाया आपने, बढ़िया बजाया, मजा आ गया, मजा आया। चेक दिस आउट गाइस, हम पूरे रंग बिरंगे हो चुके हैं। इसको देखो, इसकी तो शक्ल ही गजब हो गई है, और हमें देखो गाइस हमारे चेहरे की हो गई थी हालत खराब, इसलिए हमने किया अभी फेस वॉश फिलहाल के लिए, और कपड़े तो घर जाके ही धुलेंगे फिलहाल के लिए, तो सिर्फ इसी से काम चला लेते हैं। ये चेक करो गाइस मेरी शक्ल साफ करने के बाद कैसी लग रही है, और इसको देखो, और खाने बैठ गई है बिना मुंह धोए, अरे मुंह में चले जाएगा कलर वलर, बावली लोंडिया जाएगा। तो गाइस गणेश जी को विसर्जित कर दिया है, और हम मामी जी से पूछते हैं कि मामी जी को कैसा लगा विसर्जित करके। मामी जी आपको कैसा लगा गणेश जी को विसर्जित करके? थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि इतने दिन हमारे घर से हमारे साथ थे, अभी एक साल से बिल्कुल खाली, और एक साल हमें वेट करना पड़ेगा। हाँ वाला अब एक साल के लिए दोबारा हमें वेट करना पड़ेगा फिर उनको। आपने बहुत कम दिनों के लिए रखा, सिर्फ 2.5 दिनों के लिए रखा आपने? क्योंकि घर पे कोई नहीं होता। अच्छा, सिर्फ बेटी भी जाती है, हस्बैंड भी जाते हैं, और मैं भी वर्किंग हूँ। तो आप जब अगली बार आप रखोगे तो ज्यादा दिनों के लिए रखोगे ना? कोशिश तो यही रहेगी, जितने ज्यादा दिन रहते ना उतने ज्यादा हमें मजा आता है रखने में। कोशिश तो यही रहेगी। चलो कोशिश नहीं रहनी चाहिए, करना ही करना है, ज्यादा दिन से करना है, ठीक है? हाँ जी।